Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video I will discuss with you previous year phrase replacement questions of SSC CPO. As you all know, previous video में हमने कुछ questions discuss कर लिए थे. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो उसका link मैंने description box में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. आज हम remaining questions discuss करेंगे. एंड ऑल्सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट फर्स्ट. And also share it with your friends as much as you can. Now, without any delay, let's start today's session and have a look at the question number one. Question number one is: Neither the directors nor the chairman were available to interrogation. अब देखिए यहाँ पर कौन सा phrase हमें underline करके दे रखा है? Were available to. हमें बताना है कि ये correct है या फिर हम इसे हमें replace करने की ज़रूरत है. देखिए देखते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी दो सब्जेक्ट्स किससे कनेक्टेड हो, नीदर नोर से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराते टाइम मैंने आपको एक रूल कराया था, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नीदर नोर, तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, नियरेस्ट टू द वर्ब मतलब वर्ब के जो पास सब्जेक्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. तो यहाँ पर पास कौन सा सब्जेक्ट है? डायरेक्टर्स या फिर चेयरमैन? चेयरमैन, तो चेयरमैन कैसा है सब्जेक्ट? सिंगुलर. तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी? सिंगुलर, विच मींस वर्ब के प्लेस पर यहाँ पर क्या आना था? वॉज. क्लियर. अब देखिए आएगा तो वॉज ही, पर वॉज, हाँ और देख लीजिए इन ऑप्शंस में वॉज और किसी में है भी नहीं. ठीक है, तो यही एक ऑप्शन बचता है, वॉज अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन. टू इंटेरोगेशन नहीं होता, क्या होता है? फोर इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन के लिए. ठीक है, तो जब हमें वॉज ही पता लग गया तब तो देखिए वॉज वाला कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. सिंपल एक ही बचता है, दैट इज योर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इवन इफ ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. यहाँ पर अंडरलाइन करके कौन सा पार्ट दे रखा है हमें? इवन इफ ही इज अ ऑनेस्ट मैन. तो इसमें देखिए पहली बात तो ये देखिए यहाँ पर क्या नाउन लिखा है? ऑनेस्ट. ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव यहाँ पर है ऑनेस्ट, जो कि इस नाउन के लिए आया है मैन के लिए. तो अब देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में कैसी साउंड आ रही है? ओ की, यानी कि स्वर की. और जब भी किसी स्वर की साउंड आती है तो हम क्या यूज करते हैं? ए नहीं, वी यूज एन. ठीक है, पहली बात तो इसमें यही मिस्टेक है, एन ऑनेस्ट होगा, अ ऑनेस्ट कहना गलत है. ठीक है, स्वर की साउंड आती है तो हम एन का यूज करते हैं. व्यंजन की अगर साउंड आती है कै कह गए तो हम क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं. तो पहली बात तो एन आएगा. अब आइए ऑप्शंस पर, ऑप्शंस में देखते हैं किस किस ऑप्शन में एन है. तो फर्स्ट वाले में है और सेकेंड वाले में, तो थर्ड तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया. ठीक है, यहाँ पर अ ऑनेस्ट बिल्कुल गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन भी कैंसिल. ठीक है, तो मैंने यही आपको बताया था, आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. आपको कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही दिखेंगे जो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ देखो दो ही ऑप्शंस बचते हैं, इन्हीं में से ही कोई ना कोई आंसर है. अब देखिए एन आएगा, ये तो ठीक है. सेकेंडली ही जो है, ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब भी कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर. तो यानी यहाँ पर आर कहना गलत होगा, ही इज होगा. तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट. तो बचा ऑप्शन नंबर वन and that is your answer. Although he is an honest man, he has been accused of theft. हालांकि वो honest man है, एक ईमानदार आदमी है, फिर भी उसे चोरी के लिए accuse किया गया. Here, तो ऐसे ही आपको exam में देखो errors identify करने हैं, छोटी छोटी चीजें हैं. अब आपको पता है जब भी आपके पास स्वर की साउंड आ रही हो आप an का यूज करते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो verb भी सिंगुलर आती है, तो इसी से देखो कितना easy हो गया. चाहे आपको इन वर्ड्स का मीनिंग ना भी पता हो, इवन इफ कब लगाते हैं, ऑल तो कब लगाते हैं, डजंट मैटर. आप यहाँ पर और भी चीजों से देखिए एरर को आइडेंटिफाई सिंपली कर सकते थे. राइट, तो ऐसे ही हमें एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना होता है. अब इसमें देखिए, इफ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ जॉब. अब जो ये इफ वाले सेंटेंसेज होते हैं कंडीशनल के होते हैं. ठीक है, पहले भी हम इसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, कंडीशनल होते हैं हमारे पास. तो देखिए यहाँ पर क्या एरर है इस सेंटेंस में, इस पार्ट में हमें बताना है कुछ एरर है या फिर नहीं. आई वुड हैव, सॉरी इफ आई वुड हैव अ डिग्री,
यहाँ आपको बताना है। अब देखिए दो क्लोजेज है हमारे पास, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और ये मेन क्लोज। मेन क्लोज में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वुड, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा कौन से कंडीशनल में होता है जहां पर मेन क्लोज वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जब सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या हो, इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये सेकेंड कंडीशनल होता है, ये आपको याद रखना है। जब भी यहाँ पे आपको मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है यानी कि जो इफ वाला क्लोज होगा, उसमें आपको इफ के साथ क्या लगानी होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर वुड प्लस हमने वी1 देखा, वुड गेट, तो यहाँ पर हमें पता लगा इफ के साथ हमें क्या लगानी है, सेकेंड फॉर्म। अब कौन से ऑप्शन में देखो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, आई एम हैविंग, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई विल हैव भी गलत हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही नहीं, और गलत ही है वो तो, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये इफ आई हैड अ डिग्री, हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, हैव हैड, ठीक है। तो यहाँ पर आई इफ के साथ क्या आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट इज हैड। इफ आई हैड अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब, क्लियर। तो कंडीशनल कैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हो एग्जाम में कई क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज एम्प्लॉइज वर आस्किंग हिम फॉर अ रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक सेंटेंस इस तरह का किया था जहां पर क्या वर्ड मेंशन था, फोर, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी सिंस या फोर लग जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेनली हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अगर पास्ट में है तो हैव प्लस है सॉरी अगर पास्ट में है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो अब देखिए वर आस्किंग तो गलत हो जाएगा, है ना, वर आस्किंग तो गलत ही है क्योंकि हमें कौन सा टेंस यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम इन्हीं ऑप्शंस में से देख लेते हैं किसमें हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए नो सब्स्टिट्यूशन तो कैंसिल है, आस्क्ड हिम, आस्क्ड नहीं होता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कैंसिल हो गया। आर आस्किंग ये तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखिए हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सिंस और फॉर के साथ हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हैव बीन आस्किंग हिज एम्प्लॉइज हैव बीन आस्किंग हिम फॉर अ रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है, आपको बताना है इसमें कुछ एरर है या फिर नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर, तो हम एक रूल कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने आपको कराया था, मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद, ठीक है, जहां भी वन ऑफ लिखा मिले उसके बाद नाउन तो कैसा आता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ये मैं आपको रूल करा चुकी हूँ, नाउन आता है प्लूरल, ठीक है, वन ऑफ के बाद। रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो यानी यहाँ पर आना चाहिए था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। अब एक और चीज, वर्ब सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, दैट। एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको कराया था, अगर विच दैट या हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे हैं तो वर्ब कैसी आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग, मतलब इस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग। अब जरूरी नहीं है सिंगुलर आए, अब कैसी आएगी, इस नाउन के अकॉर्डिंग। तो यानी पहली बात तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में तो रिफॉर्म है, ये कैंसिल हो गया, फोर्थ वैसे ही कैंसिल है, नो सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों में देखो रिफॉर्म्स है, ठीक है, नाउन तो प्लूरल ही आना है, वो तो कंफर्म है, रिफॉर्म्स ही आएगा। अब बात रहती है वर्ब की, अब अगर किसी ने एक्सेप्शन नहीं कर रखा है तो वो तो यही कहेगा नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, वो ऑप्शन नंबर वन को टिक करके आ जाएगा। बट नो, यहाँ पर एरर है एक्सेप्शन में से, और एग्जामिनर मोस्टली आपको एक्सेप्शन में से ही एरर देता है, क्योंकि रूल हर किसी ने पढ़ा होता है लेकिन एक्सेप्शन हर कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताया था, अगर क्या लगा हो विच दैट या फिर हु, तो वर्ब आती है इससे जस्ट पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। तो रिफॉर्म्स प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब इस बार प्लूरल आएगी, दैट इज हैव, ठीक
क्या आएगा यहाँ पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगेन कंडीशनल का एरर। मैंने आपको बताया था कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ वाला सेंटेंस आपका कंडीशनल का होता है। इफ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। अब अगर आप इसकी हिंदी करोगे ना तो आपको बिल्कुल सही लगेगा कि अगर तुम लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट कंसिडर कर लूंगा। बिल्कुल सही लग रहा है बट ये ग्रामेटिकली गलत है। चाहे बोलने में आपको सही लगे लेकिन ये नहीं है कि आप दोनों तरफ विल लगा दोगे। दो फ्यूचर टेंस आप सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस कंडीशनल का, मैं आपको रूल बता देती हूँ कि अगर मेन क्लोज में क्या है, विल, शैल, मे, ठीक है, इनके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विल कंसिडर, तो यहाँ पर जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है वहां पर क्या आना होता है, इफ के साथ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप दोनों तरफ विल का यूज नहीं करोगे, मेन क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको क्या यूज करना होता है, इफ के साथ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो आप यहाँ पर इफ यू विल ब्रिंग नहीं बोलोगे, आप सिंपली कहोगे इफ यू ब्रिंग, इफ यू ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। क्लियर। अब देखिए यू विल भी तो गलत है, दो फ्यूचर टेंस तो आपको यूज करने ही नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन वैसे ही गलत है। यहाँ पर देखिए यू ब्रिंग्स है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, यू के साथ कैसी वर्ब यूज होती है, प्लूरल, और बिना एस और ईएस की वर्ब होती है प्लूरल, तो इसलिए क्या आएगा इफ यू ब्रिंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। अब यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल सा एरर है, नो अदर जब भी आता है नो अदर के साथ कॉम्बिनेशन होता है देन का, तो यहाँ पर बट नहीं क्या आएगा देन, टी एच ए एन वाला देन, नो अदर के साथ कॉम्बिनेशन होता है देन का, शी हैज नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, नो अदर हॉबी देन। क्लियर, नो अदर के साथ आप यूज करते हो देन का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न्ड द गवर्नमेंट दैट इवन मेनी पीपल वर लाइकली टू डाई ऑफ एपिडेमिक्स देन ऑफ द सुनामी। अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में आपको बड़ा ही लंबा सा सेंटेंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, आपको लगेगा तो बड़ा सही सेंटेंस है, पता नहीं क्या ही एरर होगा इसमें, तो है ना, और कईयों को इसका कहेंगे कि हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई जरूरी नहीं आपको सेंटेंस का मीनिंग आए समझ या ना आए, आप फिर भी उसका एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या वर्ड दिख रहा है, दैन, दैन का यूज हम करते हैं कंपैरिजन के लिए, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन की जब भी बात आती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, पीपल का, कि एपिडेमिक से पीपल मरने की ज्यादा संभावना है देन सुनामी, ठीक है, सुनामी से ज्यादा तो एपिडेमिक्स में पीपल के मरने की संभावना ज्यादा है। अब पीपल का कंपैरिजन हो रहा है और हमने यहाँ क्या लगा रखा है, मैनी, यूज क्या करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री, और वैसे भी देन के साथ कौन सी डिग्री यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर मैनी नहीं क्या आएगा, मोर। क्लियर, तभी मैं कहती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी ग्रामर पता है तो आप इजीली एग्जाम में सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको मीनिंग समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मुझे भी मैं एग्जाम में होती तो मैं भी यही चीज देखती, ठीक है, मैं भी ये देखती कि मुझे बड़ा सा सेंटेंस है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती कि कुछ ऐसी एक चीज मिल जाए जिससे मेरे को थोड़ा मतलब आइडिया हो जाए कि हाँ ये चीज हो सकता है, तो मैंने पकड़ लिया इस वर्ड देन को, है ना, देन का यूज कंपैरिजन के लिए होता है और हमें करना इसी में ही एरर है ना, एरर आइडेंटिफाई इसी ही पार्ट में ही करना है हमें, दैट इवन मैनी पीपल वर लाइकली, तो मैंने यहाँ पर देखा कंपैरिजन पीपल का हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैनी पीपल क्यों आया, हम तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हमें क्या कहना है, मोर पीपल। क्लियर, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रेन हैज हैड देयर डिनर बट द एडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट। अब यहाँ पर देखो इस पार्ट में हमें बताना है किससे हम इसको रिप्लेस करेंगे, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन कैसा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हैज कहना गलत होगा, हमें क्या कहना है यहाँ पर, हैव,
The children have had their dinner, but the adults still have to eat. Clear? देखो कितना ही सिंपल सा एरर था. सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स वर आस्क्ड फॉर वेटिंग आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल भी मैं आपको करा चुकी हूँ. जब भी दो सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट हिज पेरेंट्स किससे कनेक्टेड हो, मैंने आपको कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स बताए थे, विद अलोंग विद टुगेदर विद इन एडिशन टू एज वेल एज, है ना, हमने बहुत सारे वर्ड्स किए थे. तो जब भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड हो विद अलोंग विद वगैरह से, तो जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट विच इज सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी यहाँ पर, सिंगुलर. हमने क्या लगा दिया, वर्ब. आना क्या चाहिए था, वॉज. अब वॉज देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड. The student with his parents was asked to wait outside the principal's office. बाकी वर वाले वैसे ही कैंसिल हो गए, है ना, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एक ही में वॉज है और वही क्या है, आंसर है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक अ रोज. ये अब किसका एरर है, मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कराए थे आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी हो. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताए थे आउट ऑफ बॉक्स कंपेरिजन के एरर्स, कि कंपैरिजन हमेशा होना चाहिए सेम चीज के बीच में. और एग्जामिनर क्या करता है, आउट ऑफ बॉक्स कंपैरिजन करके एरर देता है. वही ये क्वेश्चन है. देखिए कंपैरिजन किसका कर रहे हो आप, कलर का. द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक कलर ऑफ रोज आपको कहना है. आप चीक्स के कलर का कंपैरिजन रोज से तो नहीं कर सकते. दोनों तरफ कंपैरिजन किसका होता है, सेम चीज का. इस तरफ अगर कलर है किसी चीज के, तो दूसरी तरफ भी किसी चीज का कलर ही होगा. तो आपको यहाँ पर कहना क्या था, द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक कलर ऑफ अ रोज. ठीक है, इज लाइक रोज तो नहीं होगा, इज लाइक कलर ऑफ अ रोज. अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि नाउन नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो तो हम क्या यूज कर देते हैं उसके प्लेस पर, प्रोनाउन दैट इज दैट. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं इन केसेस में. तो आप क्या बोलोगे, द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक That of a rose. That यहाँ पर कलर के ही प्लेस पर आया है, बार बार कलर ना लिखना पड़े इसलिए. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ टूडे. द असाइनमेंट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मोहित टू डू ऑन हिज ऑन. यहाँ पर देखिए हमें इस पार्ट में बताना है वो सो डिफिकल्ट. यहाँ पर देखिए सेंटेंस में वो सो डिफिकल्ट फॉर मोहित टू डू. टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, टी डबल ओ वाला टू और टी ओ वाला टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, आप कभी भी देखोगे सो या टू का या सच या टू का आपको कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा. कॉम्बिनेशन होता है टी डबल ओ वाले टू का और टी ओ वाले टू का, टू और टू. तो आप ऐसे नहीं कहोगे असाइनमेंट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मोहित टू डू, आप क्या कहोगे, द असाइनमेंट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मोहित टू डू. ठीक है, कि असाइनमेंट इतना डिफिकल्ट था कि वो उसे खुद से करना उसके लिए मुश्किल था. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. देखिए एक सेंटेंस देखिए. मैं ये कहना चाहती हूँ ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता. ठीक है, वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता. तो हम यूज कर सकते हैं सो और दैट का, और करते भी हैं. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से कह सकते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक. टू और टू की हेल्प से भी आप कह सकते हो, बिल्कुल सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के मीनिंग में. तो यही चीज बताई, दैट आया तो सो आएगा. ठीक है, सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है और टू का कॉम्बिनेशन होता है. तो यही ये सिंपल सेंटेंस था, द असाइनमेंट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मोहित टू डू ऑन हिज ओन. क्लियर. तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू क्वेश्चंस. ठीक है, हम क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में. अगेन सीपीओ के एग्जाम में आए हुए क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.